नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। आज की यात्रा में हम पहुँचे हैं यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल आगरा फोर्ट। आगरा का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल इसी आगरा में मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां एवं औरंगजेब भी यहीं रहा करते थे। यह मूलतः ईंटों का एक किला था जिसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब मोहम्मद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी पूर्व में करवाई थी। इस किले की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला ईंटों का एक किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया। चलिए देखते हैं इस खूबसूरत किले को। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर दो वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर जो खाई पर बना है वह एक चोर दरवाजा है जो इसे अजेय बनाता है। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। अतः दिल्ली द्वार जनसाधारण हेतु खुला नहीं है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थी। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रसाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तोड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी ओर मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट, एक महल बंगाली महल, अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर गेट अकबर दरवाजा को जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया गया था। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं इस आगरा के किले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आगरा के किले को इससे अपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मुगलों ने दिल्ली के लाल किले को कभी किला नहीं कहा, बल्कि यह लाल हवेली कहा। सर आर्थर कॉन डॉयल, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास लेखक के शेरलॉक होम्स रहस्य उपन्यास द साइन ऑफ फोर में आगरा के किले का मुख्य दृश्य है। मिर्जा राजे जयसिंह के संग पुरंदर संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा 1666 में आए व औरंगजेब से दीवाने खास हो गए। उन्हें अपमान करने हेतु उनके स्तर से कहीं नीचा आसन दिया गया। वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें जयसिंह के भवन में ही 12 मई 1666 को नज़रबंद कर दिया गया। उनकी एक ओजपूर्ण अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर लगाई गई है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण दक्षिण भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न था। दक्षिण भारत के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे निर्मित हैं। एज ऑफ एम्पायर 3 के विस्तार पैक एशियन डायनेस्टीज में आगरा के किले को भारतीय सभ्यता के 5 अजूबों में से एक दिखाया गया है, जिसे जीतने के बाद ही कोई अगले स्तर पर जा सकता है। एक बार बनने के बाद यह खिलाड़ी को सिक्कों के जवाब भेजता है। इस वर्जन में कई अन्य खूबियां भी हैं। तो दोस्तों मुसाफिर हूँ यारों की आज की पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध आगरा फोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ के लगभग हर झरोखे और खिड़की से आप ताजमहल को देख सकते हैं। देखिए एक विहंगम दृश्य ताजमहल का। इस लाल किले या यूं कहूँ आगरा के किले के अंदर कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं अंगूरी बाग, दीवाने खास, दीवाने आम,
स्वर्ण मंडप, जहांगीरी महल, खास महल, मछली भवन, इसके अलावा इसी किले में मौजूद है मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जनाना मीना बाज़ार, नौबत खाना और रंग महल। शाही बुर्ज और शाहजहां का महल एक मुख्य दर्शनीय स्थल है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं शाहजहां का महल। दोस्तों, इस किले में कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण को देखा जा सकता है, बल्कि कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम या कहूँ वर्जित नमूने भी मिलते हैं, जैसे अजदहे, हाथी व पक्षी, जहाँ आमतौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामितीय नमूने, लिखाइयाँ, आयतें आदि ही पलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया प्रसिद्ध आगरा का किला, जो कि है एशिया का सबसे बड़ा किला। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऐसे खूबसूरत प्लेसेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली किसी जगह मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत आभार।